अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंसाइनमेंट अकाउंट दिस इज़ लेवल टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज आल्सो इंक्लूडेड इन ए सी सी एस एंड सी एस दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ओ लेवल्स और आई जी सी एस सी तो जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या जो आई जी सी एस सी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये टॉपिक नहीं है ये स्पेसिफिकली ए लेवल्स, एसी सी एंड सी ए स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले हम आते हैं कंसाइनमेंट पे कंसाइनमेंट बेसिकली इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज उनमें से एक पार्टी जो होती है वो ऑनर ऑफ गुड्स होती है और सेकंड पार्टी इज़ द सेलर ऑफ गुड्स यानी टू पर्सन हैं जो आपस में एग्रीमेंट uh, फॉर्म करते हैं या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं uh, कि जो फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है उसकी गुड्स हैं और पर्सन uh, बी के साथ वो एग्री एग्री करता है कि पर्सन बी विल सेल द गुड्स ऑफ पर्सन ए और पर्सन ए जो है वो बेसिकली अपनी गुड्स उसको ट्रांसफर कर देगा पर्सन बी को और पर्सन बी जो है वो उसकी गुड्स सेल करेगा तो कंसाइनमेंट इज द सिस्टम वेयर वन पर्सन सेंड द गुड्स टू अनदर फॉर सेलिंग पर्पस ठीक है एक बंदा अपनी चीजें सेलिंग पर्पस के लिए दूसरे बंदे को सेंड कर देता है बट इसमें और नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में थोड़ा फर्क है देखिए Uh, जैसे रिटेल स्टोर है रिटेल स्टोर जो है दे बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स और द मैनुफेक्चरर्स एंड देन सेल द गुड्स ठीक है बट इन दिस केस द सेलर विल ट्रांसफर द गुड्स टू दैट पर्सन एंड पर्सन विल सेल द गुड्स बट पर्सन विल नॉट बाय द गुड्स फ्रॉम द सेलर यानी जिसकी एक्चुअली वो गुड्स हैं उससे वो सेकेंड पर्सन वो गुड्स बाय नहीं करेगा बल्कि वो गुड्स कहेगा कि जी ठीक है मैं आपकी गुड्स सेल कर देता हूं आप अपनी चीजें मेरी प्रेमिस पे या मेरी शॉप पे या मेरी लोकेशन पे ट्रांसफर सेंड कर दे यहां मेरे पास आ जाए और फिर मैं इनको सेल कर दूंगा और जब ये सेल हो जाएंगी तो उसमें से मैं अपना अपने चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ कमीशन के जो मेरा कमीशन है वो मैं अपना कमीशन डिडक्ट करके बाकी सारी पेमेंट आपको भेज दूंगा तो ये बेसिकली कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है देखिए सिंपल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये तो वही चीज है जो होलसेलर चीजें रिटेल शॉप पे देता है रिटेल शॉप वाला सेल करता है नो दिस इज नॉट द सेम केस उस केस में होलसेलर जो है वो गुड्स सेल कर देता है रिटेलर्स को रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड देन सेल दीज गुड्स टू द कंज्यूमर्स एट हायर प्राइसेस एंड गेट द प्रॉफिट एज अ बेनिफिट उसमें कमीशन नहीं होता रिटेलर्स के पास बेसिकली वो प्रॉफिट अर्न करता है कि वो लेस प्राइस पे बाई करता है होलसेलर से और देन उनको हाई प्राइस पे सेल कर देता है कंज्यूमर्स को तो जिससे जो डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है बट इन दिस केस पर्सन जो है दूसरा जिसकी एक्चुअली गुड्स है वो दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट करेगा वो अपनी गुड्स उसकी लोकेशन पे सेंड कर देगा वो उन वो उन गुड्स को सेल करेगा सेल करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा ठीक है थ्रू सेलिंग ऑफ गुड्स उसमें से अपना कमीशन डिडक्ट करेगा और रिमेनिंग अमाउंट विल ट्रांसफर टू द एक्चुअल एक्स ऑफ द गुड्स ठीक है तो ये बेसिकली कंसाइनमेंट होती है और इसमें जो सेलर होता है जो बेसिकली गुड्स सेल कर रहा है वो एक एजेंट की तरह बिहेव करता है और ये नॉर्मली आप इसको ज्यादा बेटर ऑब्जर्व कर सकेंगे जब आप फॉरेन ट्रेड में जाते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं मेरी गुड्स हैं आई एम लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड आई वांट टू सेल माय गुड्स इन एन अदर कंट्री लाइक इन यूके आई वांट टू सेल माय गुड्स इन यूके तो मैं यूके में एक पर्सन हायर करता हूं उसके साथ अग्रीमेंट करता हूं कि आई विल सेंड माय गुड्स टू योर लोकेशन इन यूके एंड देन यू विल सेल माय गुड्स एंड आई विल गिव यू कमीशन कि मैं अपनी गुड्स तुम्हारी लोकेशन पर यूके में सेंड कर देता हूं और तुम मेरी गुड सेल करना और जो उससे जनरेशन ऑफ रेवेन्यू होगा उसमें से मैं तुम्हें कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन पे करूंगा ठीक है तो चलिए देर आर टू पर्सन इन्वॉल्व इन दिस अग्रीमेंट वन इज द कंसाइनर कंसाइनर इज द एक्चुअल ऑनर ऑफ द गुड्स हु यानी जो गुड्स का एक्चुअल ऑनर है जो गुड्स बेसिकली सेंड कर रहा है सेल के लिए उसे हम कंसाइनर कहते हैं ओके इज इट क्लियर के कंसाइनर इज द एक्चुअल ऑनर ऑफ द गुड्स हु सेंड गुड्स फॉर सेल टू द अदर पर्सन लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल ली आई एम लोकेटेड इन पाकिस्तान आई एम मैन्युफेक्चर ऑफ द गुड्स देन आई एम द कंसाइनर और मैं अपनी गुड्स सेंड कर रहा हूं यूके में एक पर्सन को कि जी ये मेरी गुड्स तुम्हारे पास आ रही हैं तुम इन्हें सेल कर दो But as a consigner because I am the owner of the goods all risk related to the goods and all expenses related to the goods is the responsibility of my business and responsibility of mine. Mine responsibility. Theek hai? Wo meri responsibility hai, my responsibility. My responsibility is that all expenses. Hai, जितने भी गुड्स से रिलेटेड रिस्क है वो सारे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन में मेरी गुड्स डैमेज हो जाती है उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज ऑफ गुड्स उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी कैरिंग कॉस्ट उसकी होल्डिंग कॉस्ट उसकी किसी भी टाइप की जो कॉस्ट है रिलेटेड टू द गुड्स उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा एज अ कंसाइनर तो जो कंसाइनर होता है वो ऑल रिस्क एंड एक्सपेंसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कंसाइनर की होती है कंसाइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिस्क रिलेटेड टू द गुड्स एंड ऑल एक्सपेंसिस रिलेटेड टू द गुड्स द अदर पर्सन हु रिसीव गुड्स फॉर द सेल इज कॉल्ड कंसाइनी कंसाइनी वो पर्सन होता है जिसके पास हमने गुड्स सेंड uh, की हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स ऑफ गुड्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स ऑफ गुड्स वो सेल्स ऑफ गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट वो कंसाइनी होता है ठीक है तो टू पर्सन जो इन्वॉल्व हुए या टू बिजनेस इन्वॉल्व हुए उनमें एक कंसाइनर है जिसकी एक्चुअली गुड्स हैं जो सेल्स के लिए सेंड करता है और जिसके पास जाती हैं जो उनको सेल करेगा वो कंसाइनी होगा ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू द गुड्स ठीक है एंड रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स और रिलेटेड टू द गुड्स यानी गुड्स से रिलेटेड किसी भी एक्सपेंस के लिए वो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंसाइनी एक्सपेंसिस पे जरूर कर सकता है बट वो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंसाइनर की होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल उसने उनको कहीं वेअर हाउस में रखा उस वेयर हाउस का रेंट था तो वह रेंट की जो पेमेंट है वो कंसाइनी ने कर दी बट ही विल बी डिडक्टेड दैट अमाउंट फ्रॉम रेवेन्यू यानी जो सेल से उसको इनकम आएगी उसमें से वो अमाउंट वो डिडक्ट करेगा क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंट की जो थी वो कंसाइनर की थी तो कंसाइनी कोई भी गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा ठीक है वो सारे पेमेंट्स सारे एक्सपेंसेस जो है वो कंसाइनर को जो अमाउंट उसने ट्रांसफर करनी है वहां से डिडक्ट करेगा ठीक है क्यों क्योंकि कंसाइनी को एक स्मॉल अमाउंट दी जाती है स्मॉल नहीं होता उसको उसको 5, 10 या uh, 4 या यानी जो होती है, है वो as a commission pay की जाती है, consignee को। तो जब कंसाइनी को जो कमीशन मिल रहा है वो स्मॉल अमाउंट्स में मिल रहा है तो वो क्यों पे करे गुड्स के एक्सपेंसेस तो वो कहता है जी ठीक है फिर कंसाइनर अपनी गुड्स के जितने भी उससे रिलेटेड कैरिज और डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसिस हैं कैरिज डिलीवरी हो गया कैरिज हो गया वो सारे के सारे कंसाइनर पे करेगा और वो जो सेल्स से इनकम आएगी सेल्स ऑफ गुड्स से इनकम आएगी उसमें से वो कंसाइनी डिडक्ट कर लेता है अपना कमीशन भी डिडक्ट कर लेगा और जितने भी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हुए हैं गुड्स से रिलेटेड वो भी उसमें से डिडक्ट कर लेगा और रिमेनिंग अमाउंट विल ट्रांसफर टू द कंसाइनर ठीक है तो क्या हुआ कंसाइनर ने चीजें भेजी कंसाइनी को ठीक है और कंसाइनी ने वो चीजें सेल की उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे उसने अपना कमीशन डिडक्ट किया और ऑल एक्सपेंसिस रिलेटेड टू द गुड्स वो भी डिडक्ट करेगा और रिमेनिंग अमाउंट विल ट्रांसफर टू द कंसाइनर तो दिस इज द कंसाइनमेंट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम एक एजेंट हायर करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि दे विल सेल आवर गुड्स एंड गेट कमीशन वो हमसे हमारी गुड्स बाय नहीं करेगा बल्कि हम उनसे गुड्स ट्रांसफर कर देंगे और वो हमारी गुड्स को सेल करेगा ठीक है तो दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट तो कंसाइनी को जो बेनिफिट मिलना है इस अग्रीमेंट में उसको यही मिलना है कि वो जो गुड्स सेल करेगा उस पर उसको कमीशन मिलेगा जो कि प्री डिसाइडेड परसेंटेज होगी जो भी रेवेन्यू की परसेंटेज होगी वो उसको एज अ कमीशन पे की जाएगी ठीक है और कंसाइनी विल कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द रिसीवेबल्स मतलब आ, वो कस्टमर्स कस्टमर customer से कलेक्ट करेगा और फिर उस अमाउंट से अपने एक्सपेंसेस और अपना कमीशन जो उसका कमीशन है वो डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट कंसाइनर को पे कर देगा और यहाँ पे ये भी बता दू इन केस ऑफ बैड डेट्स अगर कोई कस्टमर अनएबल टू पे हो जाता है मतलब इ रिकवरेबल हो जाता है कस्टमर तो वो बैड डेट के भी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कंसाइनर के ही एक्सपेंसेस होंगे कंसाइनी अपनी पॉकेट से उसको सेटल नहीं करेगा ठीक है तो वो एक्सपेंसेस भी कंसाइनर ही बेयर करेगा उसी का रिस्क है और उसी को वो बेयर करना पड़ेगा बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अकाउंट अंडर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ द कंसाइनमेंट जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला ये है कि इसमें वी हैव टू प्रिपेयर द पहलाइनमेंट अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट मीन वो जो हमारा कंसाइनमेंट अग्रीमेंट हुआ उस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें नंबर वन स्टेज पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा वी हैव टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑन कंसाइनमेंट सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटोरी देखे वी सेंड गुड्स टू कंसाइनी फॉर द फॉर सेल पर्पजेज but at the end of financial year, ho goods sell now. so there is a closing inventory. so we have to calculate the value of closing inventory. so yes, second is mehame activity perform karni for accounting treatment. and third, we have to prepare the consignee account or consignee basically uh, according to the consigner is a trade receivable. यानी रिसीवेबल अकाउंट के तौर पे हम उसको बनाएंगे लाइक ट्रेड रिसीवेबल कि उससे क्योंकि कंसाइनर ने अमाउंट रिसीव करनी है उसने गुड्सें उसको सेंड की हैं और उसने वो सेल करके उसको अमाउंट पे करनी है तो कंसाइनर के लिए वो रिसीवेबल होगा तो कंसाइनर जो होगा विल प्रिपेयर द कंसाइनी अकाउंट एंड एज अ रिसीवेबल अकाउंट यानी रिसीवेबल अकाउंट की तरह वो कंसाइनी अकाउंट बनाएगा कंसाइनी उसके लिए रिसीवेबल होगा क्योंकि उसने उसको गुड्स सेंड की हैं और फिर उससे उसने अमाउंट रिसीव करनी है तो इन फ्यूचर ही विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम कंसाइनी दैट्स कंसाइनी अकाउंट विल बी द रिसीवेबल अकाउंट वो रिसीवेबल अकाउंट होगा एसेट्स एसेट्स होते हैं और आर बाय नेचर डेबिट डेबिट तो ये नेचर अकाउंट होगा कंसाइनी अकाउंट जो होगा तो ये बेसिकली रिसीवेबल अकाउंट बनेगा तो थ्री एक्टिविटीज हम कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में परफॉर्म करेंगे फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट second value of closing inventory and third preparation of consignee account to, as a receivable account i am going to discuss calculation of closing inventory it is important because when we are going to prepare the consignment account then we have to know the value of closing inventory ओके okay, तो पहले हम क्लोजिंग इन्वेंटोरी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और देन फिर हम कंसाइनमेंट uh, अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट को डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग परचेज प्राइस डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी कॉस्ट इन एनी अदर कॉस्ट रिलेटेड टू द गुड्स ओके लाइक इंश्योरेंस गुड्स होल्डिंग कॉस्ट तो जितनी भी कॉस्ट है जो गुड्स से रिलेटेड है वो सारी की सारी इधर इट इट वॉज पेड बाय द कंसाइनी और पेड बाय द कंसाइनर कंसाइनर ने पे की है या कंसाइनी ने पे की है बट वो गुड्स से रिलेटेड कॉस्ट है तो हम उन सारी कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है फिर मैं रिपीट कर रहा हूं वी विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ठीक है एंड दिस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विल इंक्लूड पर प्राइस डिलीवरी चार्जेस एम और डिलीवरी चार्जेस टू कंसाइनी ठीक है अगर आपने डिलीवरी चार्जेस टू कंसाइनी पे किए हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड गुड्स होल्डिंग कॉस्ट और मैंने ये कहा कि दीज कॉस्ट दीज ऑल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इधर इट वॉज पेड बाइ द कंसाइनी और इट वॉज पेड बाय दर यह कंसर्न नहीं है कि पे किसने की है कंसाइनर ने की है बट यह गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगी तो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे देर आर टोटल यूनिट ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द्वेश्चन तो फिर हम कॉस्ट पर यूनिट कैल्कुलेट कर लेंगे कॉस्ट पर यूनिट बाई डिवाइडिंग द

कॉस्ट पर यूनिट विच वॉज कैलकुलेटेड विच इज कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्टेप मल्टीप्लाई दूनिट्स ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटोरी उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटोरी आ जाएगी तो देखिए हमने क्लोजिंग इन्वेंटोरी की वैल्यू कैल कैसे कैलकुलेट की फर्स्ट हमने टोटल गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट की है उस टोटल गुड्स की कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट किया है बाई डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड देन उससे हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट का रेट आ गया उसको हमने क्लोजिंग इन्वेंटोरी के यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटोरी आ गई आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटोरी देन वी विल प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट It is an account for the calculation of profit or loss on consignment. We will record expenses on uh, or costs on debit side and incomes or revenue on credit side. we will balance off. And see So first, I am going to record the costs or expenses related to the goods sent on consignment. फर्स्ट वी विल रिकॉर्ड द ओपनिंग इन्वेंटोरी विच मतलब जो लास्ट ईयर में हमने कंसाइनमेंट के लिए चीजें भेजी हुई थी और वो उसके पास बच गई थी एज अ क्लोजिंग इन्वेंटोरी तो वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग इन्वेंटोरी हो जाएगी दिस वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन तो ओपनिंग इन्वेंटोरी ऑफ द गुड्स देन वी विल रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मीन्स परचेज प्राइस और परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड और यह उन्हीं गुड्स की हम कॉस्ट लेंगे जो कि हमने कंसाइनमेंट पे सेंड किए देन वी विल रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसिस रिलेटेड टू दीज गु पेड बाय द कंसाइनर लाइक अगर उसने डिलीवरी चार्जेस पे किए डिलीवरी कॉस्ट पे की है कोई भी एक्सपेंसिस जो कंसाइनर ने पे किए हैं पहले हम वो रिकॉर्ड कर देंगे वी विल रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसिस विच आर रिलेटेड टू कंसाइनमेंट एक्टिविटी और दो वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो उनसे रिलेटेड है वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे वो सारे एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने पे किए हैं और वो इन गुड्स से रिलेटेड है वो भी हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे एनी बैड डेट्स वैल्यू आर अवेलेबल बिकॉज इट इज एक्सपेंस एंड दिस एक्सपेंस ज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसाइनर ठीक है वो कंसाइनर का एक्सपेंस है बर्डन जो है उसका सारे का सारा इन एक्सपेंसिस का इन लॉसेज का कंसाइनर पे होगा तो कंसाइनर बेसिकली इन बैडेट्स को रिकॉर्ड करेगा वन मोर थिंग ये जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यह हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं बिकॉज दीज अकाउंट आर प्रिपेयर बाय द कंसाइनर हम कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं

जो कंसाइनर है सेंड गुड्स टू द कंसाइनी फॉर द पर्पज ऑफ सेल तो सेल से या उस प्रोसीड से जो रेवेन्यू जनरेट होगा दिस विल बी द रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट बिकॉज ये इनकम है इनकम क्रेडिट होती है तो हम इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे देन वी विल रिकॉर्ड द क्लोजिंग इन्वेंटोरी द वैल्यू ऑफ गुड्स विच वर नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बट वॉज सेंट एज अंसाइनमेंट तो हम क्लोजिंग इन्वेंटोरी की वैल्यू और जो कि हमने पीछे डिस्कस भी किया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू हम यहां पर क्रेडिट साइट पे रिकॉर्ड कर देंगे ठीक है प्रोसीड सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइट पे क्लोजिंग इन्वेंटोरी हम क्रेडिट साइट पे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर यह क्रेडिट साइट पर रिकॉर्ड हो जाएगी देन वी विल मेक द टोटल और चेक करेंगे कि हमारी हेवियर साइड कौन सी है डेबिट और क्रेडिट अगर तो क्रेडिट साइड हैवियर होगी नॉर्मली क्रेडिट साइड विल बी हैवियर बिकॉज हमने सेल्स की और सेल्स प्राइस ज्यादा होगी उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा ठीक है इनकम जो होनी है तो हमारी जो भी साइड हैवियर होगी हम उसका टोटल करेंगे और दोनों साइड पे प्लेस कर देंगे तो आई एम गोइंग टू सपोज कि हमारी क्रेडिट साइड हैवियर है तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूं द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड टोटल uh, as well as तो प्लेस कर दिया जो टोटल हमारा निकला हैवियर साइड का वो दोनों साइड में प्लेस कर दिया एंड देन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑन द स्मॉलर साइड और अगर आपका डिफरेंस है वो डेबिट साइड पर निकला तो दिस इज द प्रोफिट ऑन कंसाइनमेंट और रीजन क्या है क्योंकि आपकी सेल प्रोसीड जो है वो आपकी एक्सपेंसिस से ज्यादा है दैट्स वाई

तो बैलेंसिंग फिगर यहां क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और ये आपका लॉस ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा ठीक है बट नॉर्मली प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट होता है ठीक है तो वी विल रिकॉर्ड दिस ऑन डेबिट साइड एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट के सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा इफ इट इज अवेलेबल ऑन द डेबिट साइड ठीक है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आई तो वो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर द कंसाइनी अकाउंट एंड दिस इज द लास्ट एक्टिविटी इन कंसाइनमेंट कंसाइनी अकाउंट कंसाइनी अकाउंट विल बी प्रिपेयर अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीवेबल्स अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं एसेट्स होते हैं बाय नेचर डेबिट होते हैं तो कंसाइनी अकाउंट भी रिसीवेबल नेचर पे बनेगा यानी हमारे लिए वो रिसीवेबल है ना हमने गुड्स सेंड किए उससे हमने अमाउंट रिसीव करनी है अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स जो कि वो सेल करेगा तो रिसीवेबल अकाउंट के तौर पर बनेगा इफ देर इज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कंसाइनी देन इट विल बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड क्योंकि रिसीवेबल्स हैं बाय नेचर डेबिट होते हैं तो डेबिट साइड पे होगा एंड ड्यू टू सेल्स ऑफ गुड्स रिसीवेबल विल इंक्रीज अगर उसने गुड्स सेल कर दी तो उससे हमारे रिसीवेबल्स यानी कंसाइनी से हमने अमाउंट रिसीव करनी है रिसीवेबल बन जाएगा कंसाइनी हमारा ड्यू टू सेल्स ऑफ गुड्स तो वो डेबिट साइड पर प्लेस होगा ठीक है क्योंकि कंसाइनी गुड्स सेल करके उसने अमाउंट हमें देनी है ना तो जैसे ही वो चीजें सेल करेगा वो हमारे लिए रिसीवेबल बन जाएगा हमने उससे अमाउंट रिसीव करनी है ठीक है तो रिसीवेबल जब इंक्रीज होते हैं ड्यू टू सेल्स तो उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं देन एनी बैड रिस रिड्यूस ठीक है बैड हो गया ना कंसाइनी कोई ना ही वो रिस्पॉन्बल होगा हमें पे करने के लिए तो ड्यू टू बैड डेट रिसीवेबल विल डिक्रीज तो हम उसे क्रेडिट साइड पर प्लेस कर देंगे उसके बाद कंसाइनी एक्सपेंसिस जितने भी कंसाइनी ने अपने पॉकेट से एक्सपेंसिस किए होंगे वो आपको जो उसने अमाउंट पे करनी है उनमें से ही डिडक्ट करेगा तो जितने भी कंसाइनी के एक्सपेंसेस होंगे उसकी वजह से आपके रिसीवेबल्स कम होते जाएंगे क्योंकि वो उस कंसाइनी ने पे किए और उसने आपकी अमाउंट उतनी काट देनी है डिडक्ट कर देनी है तो जितने कंसाइनी के एक्सपेंसेस होंगे उससे रिसीवेबल रिड्यूस होंगे तो वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनी कमीशन वो भी उसने डिडक्ट करना है उससे भी आपके रिसीवेबल्स कम होंगे जो आपने अमाउंट कंसाइनी से रिसीव करनी है तो वो भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी तो कंसाइनी एक्सपेंसेस एंड कंसाइनी कमीशन की वजह से आपके रिसीवेबल्स रिड्यूस होंगे ठीक है क्योंकि वो आपको जो पेमेंट करेगा उसमें से वो पहले ये डिडक्ट करेगा, अमाउंट आपको पे करेगा तो उससे आपके रिसीवेबल्स कम होंगे तो वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बैंक एंड कैश रिसीव फ्रॉम कंसाइनी तो जब आप उससे अमाउंट रिसीव कर लेंगे तो उससे आपके रिसीवेबल्स uh, कम होंगे तो दिस

राइट दिस टोटल ऑन द क्रेडिट साइड अमाउंट कॉलम के जो हैवियर साइड का टोटल है वो बोथ साइड पे हमने रिकॉर्ड किया एंड एट द एंड वी विल कैलकुलेट द बैलेंस सी एफ ऑन विच विल बी अवेलेबल ऑन क्रेडिट साइड ठीक हैवियर साइड डेबिट थी इसका टोटल किया ये टोटल हमने डेबिट पे भी प्लेस किया और क्रेडिट पे भी प्लेस किया और उसमें से फिर हमने ये स्मॉलर साइड को सब्ट्रैक्ट किया ठीक है ये स्मॉलर साइड हमने सबट्रैक्ट की तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास बैलेंस सी एफ ठीक है तो जब ये बैलेंस सी एफ निकला तो ये अभी स्टिल रिसीवेबल अमाउंट है जो कि हमने कंसाइनी से लेनी है उसमें से कुछ हमें पे कर दी है कुछ एक्सपेंसिस में सेटल हो गई है कुछ बैड डेट्स की वजह से सेटल हो गई ठीक है और रिमेनिंग अमाउंट ये होगी जो अभी हमने रिसीव करनी है कंसाइनी से दिस इज द बैलेंस एफ और वेरी नेक्स्ट डे हम इसको बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे बट हियर मैंने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया तो ये आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में जब भी हम बैलेंस एफ करते हैं तो उसे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लाजमी किया जाता है अपोजिट साइड पे कि जैसे ये बैलेंस ई क्रेडिट साइड पे है तो ये देन ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा डेबिट साइड पे नेक्स्ट ईयर के लिए तो दिस इज द कंसाइन नी अकाउंट होपफुली आपको समझ आ गया होगा कंसाइनमेंट अकाउंट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें आपने दो अकाउंट्स बनाने हैं और एक आपने वर्किंग में क्लोजिंग इन्वेंटोरी की कैलकुलेशन करनी है Uh, consign, रिसीव के के करनी है तो उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट आई विल डू इन माइ से पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट ठीक है तो आपको प्रैक्टिस के लिए अगर फर्दर क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.atpworld.net एंड यू आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर लेक्चर्स और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी टॉपिक्स एनी टॉपिक ऑफ अकाउंट्स आप मुझे uh, मेरे कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स माई व्हाट्सएप नंबर इंस्टा आई डी फेसबुक आई डी सब कुछ उसमें अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहाँ से वो ले कर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो इन शह आई विल आंसर योर क्वेश्चन तो अभी का लेक्चर यहीं तक था टिल द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफ